पर नाम से आज के दिन का आगाज करते हैं। आई एम क्वाइट श्योर यू ऑल आर इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। जी व्यूवर्स, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ पैराडाइज ट्रॉपिकल लेयर फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी, ट्राइफल की रेसिपी, जो यकीनन आपने इससे पहले नहीं खाया होगा। थोड़ी सी वेरिएशन की है हमने, है तो ट्राइफल वो, लेकिन थोड़ी सी उसमें वेरिएशन की है। आप अपने खानों को मज़ीद पुरकशिश, मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थोड़ी सी उसमें चेंजेस लाइए, थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स अपनी तरफ से ऐड कीजिए, तो आप यकीनन लोगों का दिल जीत सकते हैं अपनी रेसिपीज के ज़रिए। चलिए फिर देखते हैं कि हमें उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ हमारी पेंट्री में। लेट्स कम फ्रेंड्स। देखिए आज ट्राइफल के लिए हमें किन किन फूड्स की ज़रूरत होगी, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारे साथ जाएंगे किचन में, वो हमको दिखा देते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मिल्क चाहिए होगा आपको। आप फ्रेश मिल्क ले सकते हैं, हम टेट्रा पैक ले रहे हैं। शुगर चाहिए इसमें, आप टिन पैक भी ले सकते हैं, कॉकटेल का फ्रूट कॉकटेल का टिन पैक भी ले सकते हैं, और आप फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, हम दोनों ऑप्शन रखे हैं सामने। फ्रेश फ्रूट्स भी रखे हुए हैं और ये कॉकटेल का टिन पैक भी रखा हुआ है। इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। ये है रॉक मेलन फ्रेश, ये है क्रीम, व्हिप क्रीम जो ऊपर से लेयर लगेगी उसकी डेकोरेशन के लिए। ये डिफरेंट कलर्स की जेलीज हैं, स्ट्रॉबेरी जेली, ये है लाइम जेली, देन ये है चेरी जेली। डिफरेंट कलर्स की जेलीज से ऊपर डेकोरेट करेंगे ट्राइफल को, कलरफुल बनाएंगे इसको। और कस्टर्ड पाउडर ये जाएगा इसमें। ठीक हो गया जी, अब दिखाते हैं आपको फ्रेश फ्रूट्स कौन से हमने लिए हैं। इसके लिए 2-in-1 ग्रेप्स लिए हमने दो कलर्स में। यहाँ पे हमारे पास अनार भी है, इसको अनार को हम गार्निशिंग के लिए भी, ऊपर डेकोरेशन के लिए भी यूज करेंगे और अंदर भी डालेंगे इसके। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जो फ्रूट्स वाटरी है ना, तो वो आप उनको ऐड ना कीजिएगा, उससे आपका कस्टर्ड जो है वो सही नहीं बनेगा, ट्राइफल सही नहीं बनेगा, क्योंकि वाटरी होते हैं तो पानी, उसके पानी से आपका जो है, या वाटरी जो जैसे वाटरमेलन है वो वाटरी है, वो आप ना यूज़ कीजिएगा। एप्पल अगर आप डाल पाएंगे उसी वक्त काटिएगा, वरना ये फ़ौरन कलर चेंज कर देता है, इंसानों की तरह रंग बदल देता है, ये फ़ौरन काला हो जाएगा। एप्पल लिए हमने, पीच लिया है, रॉक मेलन, पीच, अनार, एप्पल। बनाना हमारे पास है नहीं फ्रेश मिल्क इस वक्त, तो इसलिए वो नहीं होगा हमारे फ्रूट्स में। और ग्रेप्स आएंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कॉकटेल का, तो आप क्या ऑप्ट करते हैं ये इट्स अप टू यू। अब चलते हैं अपने किचन में। चलिए फिर हमारी रसोई में लेके चलते हैं आपको, चलेंगे ना, जाने की जगह कहीं नहीं है, साथ जुड़े रहिएगा। इसलिए अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो आपके हाथ से एक मज़ेदार सी ट्राइफल की रेसिपी, ट्राइफल की डिश आपके हाथ से चली जाएगी। फिर ना कहिएगा हमें खबर ना हुई। चलिए दोस्तों, ये बताइए कि इन दोनों में से कौन से फ्रूट्स जो हैं वो ओरिजिनल हैं और कौन से आर्टिफिशियल हैं, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, इसमें से आर्टिफिशियल फ्रूट्स कौन से हैं और फ्रेश फ्रूट्स कौन से हैं। ठीक हो गया। वेलकम बैक टू माई रसोई, वेलकम बैक टू माई किचन, वेलकम बैक टू माई बावर्ची खाना। हम लेकर आ गए हैं इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिल्क रख रहे हैं बॉयल होने के लिए। ये हम तकरीबन 1 लीटर मिल्क लिया है बॉयल करने के लिए, रख रहे हैं इसको।
भी इसमें ऐड करेंगे। जब ये उबल जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर और चीनी, साथ साथ हम बना रहे हैं जेली, क्योंकि ये डिफरेंट कलर से बनेगी तो डिफरेंट सॉस पैन में हम रखें पानी, और पानी बहुत कम लीजिएगा उससे आपकी जेली बहुत अच्छी सेट होगी। एक बैग की जो जेली है इसमें आप लीजिएगा तकरीबन हाफ कप पानी ना, उससे आपकी जेली अच्छी सेट हो जाती है। हाफ पानी लिया था उसमें और सॉस पैन में हाफ कप पानी रख देते हैं दूसरी जेली के लिए। और जेली फ्रिज में अच्छी सेट होती है, पहले बना के बाहर रखिए, ठंडा कीजिए उसको, और उसके बाद उसको 4-5 घंटों के लिए फ्रिज में रख दीजिए, उससे जल्दी आपकी अच्छी सेट हो जाएगी। जी व्यूअर्स, देखिए इस वक्त यहाँ पे बज रहे हैं 5, सुबह के 4:45 होने वाले हैं इस वक्त, 4:45, और ये फजर के दान होने वाली है, और आप लोग तो इस वक्त आराम से खावे खरगोश के मज़े ले रहे होंगे, पर हम आपके लिए रेसिपीज जो है उसकी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको आपके साथ शेयर करें। कितना ख्याल रखना है आप अपनी यूट्यूबर फैमिली का, जो आप सुबह उठेंगे तो आपके लिए एक मज़ेदार सा ट्राइफल रेडी होगा खाने के लिए, मिलके खाएंगे सब, पार्टी पार्टी चार्टी करेंगे। और कस्टर्ड को आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, कस्टर्ड का उसमें आप फूड कलर डाल दीजिए, हमारे पास वनीला कस्टर्ड है, इसको हम चेंज करना चाहें कलर तो हम इसमें ग्रीन ब्लू सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं फूड कलर्स, तो आप कलर्स ऐड करके 2-3 लेयर बना लीजिए 2-3 कलर्स की फूड कस्टर्ड की, तो उससे आपका जो है ट्राइफल और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा। 1 लीटर मिल्क में हम तकरीबन ले रहे हैं 3 टेबल स्पून लेवल भर के कस्टर्ड पाउडर की, और एक बात का ख्याल रखिएगा, इसको आप कस्टर्ड पाउडर मिक्स करते वक्त उसको आप कंटिन्यूस चलाते रहिएगा, वरना उसमें लम्स बन जाते हैं और वो बहुत जल्दी थिक हो जाता है, तो हल्की आंच पे रखिएगा और उसको विद इन 5 और 3 मिनट्स में वो थिक हो जाता है, कंसिस्टेंसी उसकी थिक हो जाती है, तो आप उसको कंटिन्यूस चलाते रहिएगा ताकि उसमें लम्स ना बने। जेली के लिए पानी बॉइल हो गया, इसमें जेली डाल देते हैं मीन टाइम, दूध हमारा बॉइल हो चुका है, अब हम इसमें मिक्स कर रहे हैं कस्टर्ड पाउडर, कंटिन्यूसली आप चलाते रहिए। शुगर डालेंगे हम इसमें, अंदाजे से डाल रहे हैं, फिर उसको टेस्ट करेंगे कम ज़्यादा होकर फिर उसको बैलेंस कर देंगे। अभी हम 3 डिश के स्पून डाल रहे हैं, फ्रेंड देखिए कंसिस्टेंसी इसकी, 2 मिनट में ही इतना गाढ़ा हो गया है, इतनी हमें थिकनेस चाहिए इसकी, मुझे ठंडा के लिए थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए अभी क्योंकि चीनी इसमें डिजॉल्व नहीं हुई है, तो थोड़ा इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे थोड़ा सा ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए। टेस्ट कर देते हैं,
चीनी थोड़ी सी कम है, इसमें और ऐड करेंगे। चलें फिर व्यूवर्स मिलते हैं, चलो थोड़ी सी देर के बाद, बल्कि काफ़ी देर के बाद, 4-5 घंटे का गैप आएगा, क्योंकि इसको हमें चिल करना है, फ्रिज में रखना है, जेली को भी और कस्टर्ड को भी। चिल करने के बाद इसके लिए एडिंग करेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, तो फिर इंशाल्लाह फिर दिखाते हैं आपके साथ, शेयर करेंगे सारे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर्स। अभी हम जा रहे हैं नमाज़ के लिए, आप भी, आप लोगों की तरफ भी नमाज़ हो गई होगी पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। चलिए नमाज़ फजर अदा कीजिए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, अल्लाह के पाक नाम से दिन का आगाज़ कीजिए, तो इंशाल्लाह आपका सारा दिन खुशगवार गुजरेगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह छोटे से वक्फे के बाद, 5 मिनट इंतज़ार कीजिए, हम 4 घंटे बाद वापस आते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारा तैयार है, अब हम इसकी असेंबलिंग कर देते हैं। जेली सबसे एंड में जाएगी, जेली और विप क्रीम। अभी स्टार्टिंग में जो है हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। उसके लिए आप ट्रांसपेरेंट बाउल लीजिएगा, ताकि आपकी जो सारी लेयर्स हैं वो उसमें प्रोमिनेंट हों। हम इसमें पहले डालेंगे इसकी नीचे, सबसे पहले लेयर जाएगी केक की। केक आप कोई से भी ले लें जो बच्चों को पसंद हो, बेसिकली ये बच्चों के लिए ही डिश तैयार हो रही है। बच्चे क्योंकि बहुत नफरत से हर चीज़ खाते हैं, माओ को बहुत रेस करवाते हैं, माओ की दौड़ लगवाते हैं अपने पीछे, तो बेसिकली बच्चों के लिए ही बन रही है। हम इसमें केक डालेंगे, चेरी जेली। इसको हम फ्रिज में रख देते हैं कवर करके। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस पर केक जो है इस तरह से इसके लेयर कर दिए। अब इसके बीच में जो है हम फ्रूट्स डालेंगे। फ्रूट्स हमने कुछ टिन पैक्स लिए हैं, कुछ हमने फ्रेश फ्रूट्स बारीक बारीक काट लिए हैं चंक्स में छोटे छोटे, और ये इसमें हम डाल रहे हैं। इसमें सारे फ्रूट्स चले गए, कलरफुल मजाइल से भरपूर, बच्चों के सब हो जाएंगे इसको देखकर और बहुत मज़े से खाएंगे और कर देंगे। तो हमने एक और कलर दिया है, इसमें हमने ब्लू कलर ऐड किया है, तो ये एक अच्छा सा टेक्सचर बन गया है। 2 लेयर का कस्टर्ड होगा ये ट्राइफल। आप अपनी चॉइस का फूड कलर को भी यूज़ कर सकते हैं, हमने लिक्विड डाला, फूड कलर डाला है। आपके पास अगर लिक्विड नहीं है पाउडर शेप में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम डालेंगे ये वनीला येलो कलर में, इसमें ना डालेंगे इसके लिए लगाएंगे। अब जा रहा है ये ब्लू कलर का कस्टर्ड, इसमें ना डालेंगे। और लेयर जाएगी येलो कलर। ये देखिए सब वेरिएशन आप खुद कर सकते हैं, ये हमने खुद से वेरिएशन किए। आप अपनी डिशेस को, अपनी रेसिपीज को
वेरिएशन करके कलरफुल अट्रैक्टिव बना सकते हैं, टेम्पटिंग बना सकते हैं, जिससे खाने वाले का भी दिल ललचाएगा और वो आपकी डिश को चटकारे ले लेकर इंजॉय कर करके खाएगा और आपको दाद भी देगा, आपको सराहेगा भी और बार बार आपसे फरमाइश करके बनवाएगा भी। देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना मज़ेदार टेम्पटिंग? आप नीचे से इसकी लेयर देखिए, पैराडाइज ट्रॉपिकल रेयर ट्राइफल इज रेडी टू अटैक। लेकिन नहीं नहीं अभी अटैक नहीं करना है, अभी तो इसमें बहुत कुछ है बाकी ऐड करने के लिए। अभी तो इसमें जेली जाएगी, इसमें अभी क्रीम जाएगी, उसके बाद आप अटैक कीजिएगा और मिनटों में साफ कर दीजिएगा। व्यूअर्स, आपने देखा इसका फ्रंट को, अब इसको हम रैप कर रहे हैं स्विंग से, अब ये जा रहा है ठंडी मशीन में। चलिए जनाब, कैसा लगा आपको? मजे का है ना? नीचे से देखें फ्रूट्स भी नज़र आ रहे हैं और आपको हम कैमरे से दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या ख़जाना छुपा हुआ है नीचे। इसमें ख़जाना है फ्रूट्स का, गज़ाइत का। ये बच्चे जो हैं ये इस ख़जाने को तलाश करेंगे। देख रहे हैं ना फ्रूट्स को? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई किचन, वेलकम बैक टू माई रसोई, वेलकम बैक टू माई बावर्ची खाना। कैसे हैं दोस्तों? सुबह आपके सामने शेयर किया था हमने ट्राइफल, हमने लेयरिंग करके उसको फ्रिज में रख दिया था चिल करने के लिए, और जेली भी थ्री कलर्स की जेलीज भी हमने इस पर रख दी है फ्रीजर में, सॉरी फ्रिज में, अच्छी से सेट हो गई है। और अब हम जो रिमेनिंग प्रोसीजर है वो कंटिन्यू करते हैं आपके साथ, देखते हैं कि जेली और कस्टर्ड किस पोजिशन में है। ये देखिए लाइव जेली आ गई है आपके सामने, ये स्ट्रॉबेरी जेली आ गई है, अच्छी से सेट हो गई है। आप उसको उल्टा करेंगे तो ये गिरेगी नहीं, सेट हो गई है अच्छी से। सुबह हमने 5 बजे इसको रखा था फ्रिज में, इस वक्त 6 बज रहे हैं, यानी कि 6 घंटे में ये बहुत अच्छी सेट हो गई है। ये देखिए ये भी, अब इनकी कटिंग कर लेंगे। आपको जैसे भी शेप में चाहिए, क्यूब्स में, ट्राइंगल्स में, रेक्टेंगल्स में, जैसे भी चाहिए आपको शेप कटिंग कीजिए, उसके बाद इसको फिर उस पर लेयरिंग करेंगे। कस्टर्ड दिखाते हैं आपको, ये कस्टर्ड भी खाया था आपने, देखिए इसको हम सीटिंग लगा के रख दिया था सेट होने के लिए, अलहमदुल्ला ये भी सेट हो गया। अब इसके ऊपर पहले व्हिप क्रीम जाएगी, व्हिप क्रीम की लेयरिंग होगी, उसके बाद फिर इस पर जेली से डेकोरेट करेंगे, ठीक है जी। जी व्यूवर्स, ये हमने व्हिप क्रीम पाउडर लिया है जिस पे आप जिसकी आप केक पे भी लेयरिंग करते हैं, केक पे भी टॉपिंग के लिए यूज़ होती है ये व्हिप क्रीम। इसको हम मिल्क ऐड करके इसको व्हिप करेंगे इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर की मदद से। अभी हम एक साशे ले रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम और ले लेंगे, इसमें ना कर रही हूँ।
नॉर्मल ही ले लेते हैं। अब इसको हैंड ग्राइंडर की मदद से व्हिप करेंगे, साथ साथ मिल्क ऐड करते रहेंगे, जरूरत पड़ेगी इसमें नमक डालेंगे। अभी हम तकरीबन हाफ कप मिल्क लिया है, लिक्विड था उस वक्त इतना भी क्या क्या उसका टर्न भी करेंगे उल्टा करेंगे तो गिरेगी नहीं। ये टॉपिंग की इसकी आप टॉपिंग करते हैं केक पर भी इसी तरह से विप करके क्रीम को। अब हम इसको लेयर करेंगे इस पे अपने पैराडाइज ट्रॉपिकल लेयर ट्राइफल पे। क्योंकि ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चों के अट्रैक्शन के लिए, बच्चों के पसंद के इसमें फ्रूट्स और बच्चों के पसंद के इसमें केक्स वगैरह इसमें ऐड करेंगे। तो अब हम इस स्टेज पे क्रीम से पहले हम ओरियो, जिसके बच्चे दीवाने हैं, ओरियो बिस्किट, ओरियो केक, इसकी लेयरिंग करेंगे। उसके बाद फिर ऊपर से क्रीम की लेयरिंग करेंगे। मतलब ये एक तरह से ट्रेजर हंट है बच्चों के लिए कि इसमें बच्चों को ढूंढना है कि इसके अंदर क्या कुछ छुपा के रखा है हम लोगों ने, उनकी फेवरेट चीज़ें। काफी थिक है तो इसको हम बीच में कट करके दो लेयर कर लेंगे, दो पीस कर लेंगे और इसको इस पे सेट कर देंगे। जब बच्चे बाइट लेंगे और उसमें उनको फ्रूट्स भी मिलेगा, हर बाइट में उसको केक भी मिलेगा, उसमें ओरियो भी मिलेगा, उसमें कस्टर्ड भी मिलेगा और उसमें जेली भी मिलेगी। ये हमने इसके लिए कर दिए। देखिए फ्रेंड्स, ये ओरियो केक और ये अक्वा कलर अक्वा टेक्सचर में ये कस्टर्ड ट्राइफल और इसके नीचे खजाने छुपे हुए फ्रूट्स के, देखा आपने। बच्चों का हमला, जब बच्चे अटैक करेंगे ना तो आप हाथ में आपके कुछ भी नहीं आएगा, सब मिनटों में चटापट चट कर जाएंगे। आपको भी वो फीलिंग्स महसूस होती होगी जो आपने घर वालों के लिए, प्यारों के लिए
आप मेहनत से कुछ चीज़ बनाते हैं और वो लोग इंजॉय करके खाते हैं, शौक से खाते हैं, तो कितना दिल को एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको कि आपने अपने प्यारों के लिए मेहनत की, आपकी मेहनत वसूल हो गई। जब वो पूरा शौक से ख़त्म कर देते हैं वो आपकी डिश, एक आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है जिसका कोई मोल नहीं है। जंक फूड्स बहुत नुकसानदेह हैं, अंदर से आपकी मशीनरी किस पोजीशन में या आप नहीं जानते, ये सारे वो फ्रोजन आइटम्स यूज करते हैं, अनहाइजेनिक तरह बना होता है। जो मसला देसी खाने में है वो इन जंक फूड्स में, फास्ट फूड्स में नहीं है। कभी कभी अच्छा लगता है खाना, लेकिन डेली रूटीन ना बनाइए, हैबिचुअल मत जाइए। अवॉइड कीजिए जंक फूड से, फास्ट फूड से। वन सामान वन सा भी चलता है, आज के वक्त से ज्यादा सबसे ज्यादा कामयाब बिजनेस ही यही है, फास्ट फूड का और जंक फूड का, और सारे बिजनेस फेल ठप हो गए। छोटी सी ब्रेक लीजिए, ग्रीन पीजिए, कॉफ़ी पीजिए। जी यस, मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार और अट्रैक्टिव डिश आपके लिए तैयार है, पैराडाइज ट्रॉपिकल लेयर फ्रूट ट्राइफल। ट्रेजर हंट फॉर किड्स, यकीनन आपको आज की काविश भी पसंद आई होगी और आप ज़रूर सराहेंगे हमारी काविश को सब्सक्राइबर की सूरत में, आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। देखिए व्यूअर्स, आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ एक आपको जस्ट एक प्रेस करना होता है सब्सक्राइब के बटन को। उसमें इतनी कंजूसी से काम क्यों लेते हैं आप लोग? देखिए हम लोग बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा यूट्यूबर्स जितने भी हैं वो आप लोगों के लिए कितनी काविशें करते हैं कि वीडियोज़ शूट कर रहे हैं, फिर एडिटिंग कर रहे हैं, फिर रेसिपीज़ बना रहे हैं, दिन रात एक करके आपके लिए वो आपके साथ शेयर करते हैं, अपने रेसिपीज़ आपके लिए, अच्छे अच्छे ऑनलाइन खाने आपको भेजते हैं, और आप उनके लिए इतना नहीं करते कि एक उनको एक जस्ट प्रेस कर दें बेल आइकन को और सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए, जो उनके लिए बहुत मायने रखता है यूट्यूबर्स के लिए। तो यकीनन आप सोचेंगे हमारी बात पे, अमल करेंगे, गौर कीजिएगा ज़रूर कि सिर्फ एक उंगली से प्रेस करने की देर है, सिर्फ हार्डली एक मिनट का काम है, तो उससे आपके इस इख्तिताम से कितनों का भला हो जाएगा। तो कंजूसी से काम मत लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग रेसिपीज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन कमेंट्स देने में कंजूसी से काम लेते हैं, और सब्सक्राइब करने में से तो बिल्कुल भी आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता, बड़ा अफसोस की बात है। इट्स रियली हर्टिंग कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं यूट्यूबर्स आपके लिए, अपनी यूट्यूबर फैमिलीज़ के लिए, मेम्बरान के लिए, और आप लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर।
आप सब्सक्राइब कीजिए, जिस जिस की आप रेसिपीज़ देख रहे हैं, जिस जिस की आप काविशों से महसूस हो रहे हैं, ऑनलाइन आप चटखारे ले रहे हैं, तो उनको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उनको कमेंट्स दीजिए, उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्किल में। और इसका किया पाचा कर दीजिए। ऑनलाइन हमने भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया आपको, यकीन मिल गया होगा आपको। चलिए फिर आज तक के लिए इतना ही। इस शेयर के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं कि कामयाबी की राहों में जिसका तस्करा ज़रूरी है, कामयाबी की राहों में जिसका तस्करा ज़रूरी है, वो माँ है जिसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह बहुत छोटी सफ़े के बाद। अल्लाह।